सवाई माधोपुर सीमा पर बने मोरेल बांध पर एशियन जलीय पक्षियों की गणना के तहत पक्षियों की गणना की गई। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के निर्देशन में चार समूह के 15 विशेषज्ञ सदस्यों ने यह गणना की। गणना में 87 प्रजातियों के 6,275 जलीय पक्षी मिले हैं। मोरेल डैम के बर्ड्स की काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले 5 साल से लगातार जो है बर्ड सेंसस भी करवाते हैं, और ख़ास तौर से इस डैम की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर करीबन 200 प्रजातियों के 20 से 30 हज़ार पक्षी, प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं। हम खास बात आज हमने ये भी देखी, करीबन 10 से 12 स्पीसीज जो एंडेंजर्ड और नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर है। इस तरीके की जो प्रजातियाँ जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो विलुप्ति के कगार पर है और इस मोरेल डैम के ऊपर खास तौर से पाई जाती है, तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट हॉट स्पॉट हो सकता है। जल्दी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो जाए ताकि एक पर्यटन के रूप से इसको विकसित किया जा सके। सरिस्का से रणथंभौर जा रहे हों या रणथंभौर से सरिस्का या घाना जा रहे हों तो बीच रास्ते में और सबसे अच्छा पानी का और पर्यटकों के लिए पर्यावरण के लिए अच्छी जगह है। अगर इसका मैनेजमेंट ठीक प्रकार से हो पाए तो ये पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छा हैबिटेट बन सकता है, साइट बन सकती है, और साथ में ही यहाँ पर बर्ड वाचिंग की भी अपार संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर ध्यान दे और इसको एक हैबिटेट के रूप में, एक कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित करे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है।